दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने यूट्यूब चैनल एसेंसिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 12 हिंदी से आज महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया पाठ भक्तिन, और इस पाठ से हम आपके लिए लेके आए हैं बहुविकल्पी प्रश्न। इसके पहले हम इस पाठ का 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में हमने पाठ का सारांश और महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए हैं, तो दूसरे वीडियो में हमने प्रश्न उत्तर को आपके लिए किया है। चूंकि अब नई परीक्षा प्रणाली के हिसाब से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे गद्य पाठों से, और इनकी संख्या होगी 7, इसीलिए हम इस पाठ से बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी रूपरेखा देख लेते हैं कि भाग 2 आरोह में संकलित भक्तिन महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध संस्मरण है, जिसे इन्होंने रेखाचित्र के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। स्मृति की रेखाएं में ये संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत ही दिलचस्प खाका आपके सम्मुख खींचा है। एक ऐसा समाज जिसमें पिता की चलती है, आप कह सकते हैं पितृसत्तात्मक समाज, जिसमें पिता ही सर्वोपरि होता है, और ऐसे समाज में जिसमें स्त्री के लिए जीना मुहाल होता है, अगर उसके ऊपर किसी पुरुष का साया ना हो तो छल छत्म भरे समाज में अपनी बेटियों की हक के लिए लड़ाई लड़ना, और जब उसमें हार जाना और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देना, तो ये सारी बातें आप देखते हैं भक्तिन में। और इस क्रम में उसके अंदर आप संघर्षशीलता देखते हैं, उसका स्वाभिमानी गुण देखते हैं, और उसके अंदर कर्मठता देखते हैं, और ये सारी बातें भक्तिन के व्यक्तित्व में और निखार ले आती हैं। और महादेवी भी भक्तिन को अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर उसे खोना नहीं चाहती है, और यही कारण है कि इन्होंने भक्तिन की कहानी को अधूरी रखा है। और हमने आपको पहले ही बताया है कि ये संस्मरण है जिसे रेखाचित्र शैली में महादेवी जी ने आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का समय निर्धारित है 1907 से 1987 ईस्वी, 1911 से 1977 ईस्वी, 1911 से 2003 ईस्वी, 1989 से 1936 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 1907 से 1987 ईस्वी। महादेवी जी का जन्म होली के दिन 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके परिवार में 200 वर्ष के बाद किसी कन्या का जन्म हुआ था, अतः इनके दादाजी ने इनका नाम महादेवी रखा था। और 11 सितंबर 1987 को अशोक नगर इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी। दूसरा प्रश्न है, भक्तिन नामक संस्मरण महादेवी वर्मा के किस संकलन से लिया गया है, ये पूछा जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, तो ये संकलन लिया गया है, ये पाठ लिया गया है स्मृति की रेखाएं संकलन से। तीसरा प्रश्न है, भक्तिन का वास्तविक नाम है सीता, कृष्णा, लक्ष्मी, संतोष, तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन है, और यह नाम वह लोगों से छुपाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जीवन की जो स्थितियां हैं वो उसके नाम के अनुरूप नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा भक्तिन नामकरण के पीछे मुख्य कारण था भक्तिन के समान आदतों का होना, स्वामी भक्ति में हनुमान से स्पर्धा करना, भक्तिन का स्वयं का आग्रह, भक्तिन के गले में कंठी माला। तो इसका उत्तर होगा भक्तिन के गले में कंठी माला। महादेवी वर्मा ने उसकी रूपरेखा देख करके, उसकी कंठी माला को देख करके उसका नामकरण भक्तिन किया था, जबकि वास्तविक नाम उसका लक्ष्मीन था। अगला प्रश्न है, भक्तिन संस्मरण में प्रयुक्त अलगौछा का तात्पर्य क्या है? एक वाद्य यंत्र है अलगौछा, पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है उसे कहते हैं अलगौछा,
दहेज की सामग्री है या पुनर्विवाह की प्रथा है। तो आप जानते हैं जब परिवार में दो भाई या पुत्र आपस में अलग होते हैं तो पैतृक संपत्ति का जो पिता से प्राप्त संपत्ति होती है, दादाजी से प्राप्त संपत्ति होती है, उसका बंटवारा किया जाता है और इसे अलगौझा नाम दिया जाता है। तो सही उत्तर है पैतृक संपत्ति का बंटवारा। अगला प्रश्न है, छाती पर हो रहा भूजब मुहावरे का अर्थ है हमेशा घर के कार्यों में व्यस्त रहना, निठल्ला बैठे रहना, अनावश्यक कार्यों में समय बिताना, निकट रहकर परेशान करना। तो इसका सही उत्तर है निकट रहकर परेशान करना। जब भक्तिन के जो जिठानियाँ थी वो उसको ज़्यादा परेशान करने लगी थी और उसके जो जिठौत थे यानी पति के बड़े भाई और वो चाहते थे कि किसी तरह ये घर छोड़ के चली जाए, तब भक्तिन ने गुस्से में आके उन्हें जवाब दिया था कि हम यही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे और आपकी छाती पर होरहा भूजेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भक्तिन संस्मरण में काग भुसुंडी की उपमा दी है भक्तिन को, लेखिका को, भक्तिन के जिठौतों को, भक्तिन के पति को। तो सही ऑप्शन इसमें से भक्तिन के जिठौतों को है, जबकि सच बात तो यह है कि भक्तिन के जिठौत के जो लड़के हुए थे वो काले काले रंग के थे, तो उन्हीं को कहा गया था काग भुसुंडी। तो सही उत्तर होगा भक्तिन की जिठानियों के, उनके जिठौतों के लड़कों के लिए ये शब्द आया है। अगला प्रश्न है, पैरों में पंख लगना मुहावरे का अर्थ होता है मृत्यु के दिन निकट आना, अत्यधिक प्रसन्न होना, बहुत तेज दौड़ना, कल्पना लोक में खो जाना। तो पैरों में पंख लगना ये खुशी को व्यक्त करता है मुहावरा, और इसका मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। अगला प्रश्न है, वैधव्य के समय भक्तिन की आयु थी 21 वर्ष, 29 वर्ष, 36 वर्ष, 41 वर्ष। तो जब विधवा हुई थी भक्तिन या उनके पति की मृत्यु हुई थी उस समय उनकी उम्र 29 वर्ष थी, 29 ईयर्स थी। तो सही उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कि भक्तिन अपने पति को क्या कहकर स्मरण करती है। बालम, स्वामी, बुढ़ऊ, प्रिय, आमतौर पर भारतीय समाज में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती और भक्तिन भी उसी परंपरा को मानने वाली थी, इसलिए वो अपने पति को बुढ़ऊ कहा करती थी। क्या कहा करती थी? बुढ़ऊ। यद्यपि उसकी 29 वर्ष की अवस्था में ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी, फिर भी उस अवस्था में तो कोई बूढ़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने पति को बुढ़ऊ कहा करती थी। अगला प्रश्न है, ओठ काटकर लहू निकालना मुहावरे का अर्थ है असहनीय पीड़ा सहन करना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, अनैच्छिक कष्ट स्वीकार करने हेतु विवश होना, कठिन तपस्या करना। तो सही उत्तर है अनैच्छिक कष्ट स्वीकार करने हेतु विवश होना। और ये स्थिति उसकी है जब उसकी बेटी की शादी समाज द्वारा जबरदस्ती उसके जेठौत के साले से कर दी जाती है, चूंकि वो दोनों एक कमरे में बंद पाए गए थे। तो इसलिए जो है वहाँ पे ये मुहावरा आया है कि भक्तिन ने ओट काटकर लहू निकाल लिया। अगला प्रश्न है, भक्तिन के शहर पलायन का अंतिम और सबसे प्रधान कारण था पति का स्वर्गवास, जबरदस्ती पुत्री को पति थोपना, दामाद द्वारा घर बाहर कर देना, जमींदार द्वारा दिन भर धूप में खड़ा रखना। तो सही उत्तर है जमींदार द्वारा दिन भर धूप में खड़ा रखना। जब पुत्री की शादी समाज द्वारा उनके गांव परिवार के द्वारा जबरदस्ती जेठौत के साले से कर दी जाती है, वो दिन भर ताश खेलता है, चिड़िया लड़ाता है, तब भक्तिन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रह जाती और जमींदार कर्ज के बदले में उसका कर्ज न चुका पाने के चक्कर में उसे दिन भर धूप में खड़ा रख देता है। वहीं से भक्तिन ने जो है शहर की ओर पलायन कर दिया और गांव छोड़ दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भक्तिन के आगमन से महादेवी वर्मा की जीवन शैली पर प्रभाव पड़ा, महादेवी वर्मा देहाती हो गई, महादेवी भक्तिन के कार्यों में व्यस्त रहने लगी, महादेवी को घर का काम तैयार मिलता, महादेवी पूर्णतया भक्तिन पर आश्रित हो गई। तो सही उत्तर है कि महादेवी वर्मा देहाती हो गई, क्योंकि भक्तिन ने जो गांव देहात में जो खाने चलते थे या जो भोजन जिस तरह से किया जाता था वो सारी चीज़ें भक्तिन ने धीरे धीरे महादेवी के जीवन में शामिल करा दी अपनी ओर से कोशिश करके। इसके कारण महादेवी को लगता था कि भक्तिन के आने से वो अधिक देहाती हो गई।
अगला प्रश्न है, भक्तिन को चिढ़ाने के लिए लोगों के पास युक्ति थी उसे चोर कहना, महादेवी वर्मा की निंदा करना, महादेवी वर्मा की जेल जाने की संभावना, भक्तिन को घर लौटने के लिए कहना। तो चोर कहना इसलिए कह सकते हैं कि जो है भक्तिन इधर उधर पड़े पैसे को वो मटकी में संभाल के रख देती थी, छुपा के रख देती थी, और जब कोई पूछता तो कहती संभाल के रख देती है। लेकिन इसका सही उत्तर था कि महादेवी वर्मा की जेल जाने की संभावना, क्योंकि जब कोई ये कहता था कि जो आज़ादी की लहर चल रही है जिसकी वजह से क्रांतिकारियों को या जो समाज में जागरूक है लोगों को आज़ादी के लिए जो अलख जगा रहे हैं, लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, उनको अंग्रेज सरकार पकड़ के जेल में डाल रही है, तो जब ऐसी स्थिति लोग महादेवी जी के लिए बताते थे तो भक्तिन जो है डर जाती थी, उसे लगता था कि हमारा क्या होगा जब महादेवी अगर जेल चली जाएंगी तो, और वो कहती कि हम भी साथ में जेल जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा महादेवी वर्मा की जेल जाने की संभावना। अगला प्रश्न है, भक्ति संस्मरण में स्त्री के किस मानवाधिकार का हनन दृष्टित होता है, दहेज प्रथा, जबरन पति थोपा जाना, पुनर्विवाह, सती प्रथा। तो सही उत्तर है जबरन पति थोपा जाना। भक्ति ने के ऊपर समाज के लोग जो उसकी बिरादरी के लोग हैं उसकी बेटी को जबरदस्ती उसके जेठौत के साले से शादी करा दिए, जबकि न भक्तिन चाहती थी न भक्तिन की बेटी चाहती थी, उसने तो मार पीट के उसका बुरा हाल कर दिया था, लेकिन समाज का ये एक तरफा निर्णय था जिसे मानने के लिए उसे विवश होना पड़ा। तो ये इस मानवाधिकार का, जो मानव का अधिकार है, उसका यहाँ पे हनन होता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हवा लगना मुहावरे का अर्थ है, प्रभाव से परिवर्तन होना, जंग लड़ना, लगना, ऊंचा उड़ना, जमीन पर रहना। तो इसका सही उत्तर है प्रभाव से परिवर्तन होना। जब कहते हैं ना कि हवा लग गई तो यानी किसी के प्रभाव के कारण उसमें परिवर्तन आ गया, इसलिए कहते हैं कि हवा लगना है। कान फुकवाना इसका अर्थ है कान में छेद करवाना, कान में बाली पहनना, दीक्षित होना, गुरु बनाना, चुगली करना। तो ये दीक्षित होना या गुरु बनाना कान फुकवाने का मतलब था, और भक्तिन ने अपने कान फुकवा लिए थे या दीक्षित हो गई थी, इसीलिए हर बृहस्पतिवार को वो जो है अपने सर मुड़ा देती थी। महादेवी नहीं चाहती थी कि वो अपने बाल निकलवाए, लेकिन भक्तिन हर बृहस्पतिवार को नियम से अपना सर जो है मुड़वा देती थी। भक्तिन की संतानें थी 2 पुत्रियां 3 पुत्रियां 2 पुत्र 1 पुत्री 1 मात्र पुत्री। तो भक्तिन की 3 केवल पुत्रियां थी, पुत्र उसको नहीं हुआ था, इसके कारण वो जेठानियों का और परिवार से उसे कष्ट झेलने पड़े थे। तो ये मेरी कोशिश थी कि इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपसे परिचित कराएं, ताकि आप परीक्षा में बिल्कुल भी कहीं गलत ना करें। तो अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और हाँ, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो से आप वंचित ना रह पाएँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।